साथियों, 5 साल में यहां कांग्रेस की सरकार एक कदम भी नहीं चली, बल्कि यहां 24 घंटे कुर्सी का ही खेल चलता रहा। अच्छा, मैं भाइयों बहनों, मैं एक सवाल पूछूं आपको, उधर वालों को पूछूं, आप जवाब देंगे? सबके सब देंगे? अच्छा, आप सबने लाल डायरी के बारे में सुना है? सुना है? माताओं बहनों ने भी सुना है? उधर बच्चियों ने भी सुना है? लोग कहते हैं कि लाल डायरी में कांग्रेस के करप्शन की हर काली करतूत उसमें है। आप मुझे बताइए, इस लाल डायरी के काले राज, सुनिए, इस लाल डायरी के काले राज खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए? सब खुल करके बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हिसाब चुकता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बेईमानों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब मुझे बताइए, क्या कांग्रेस सरकार लाल डायरी के राज खुलने देगी क्या? सामने आने देगी क्या? अगर ये सच जानना है तो कौन चाहिए? ये कौन चाहिए? भाजपा सरकार लानी होगी। भाजपा सरकार बनाना जरूरी है। मैं आज आपके बीच आया हूं तो आपको एक और वायदा करूंगा। कांग्रेस के पेपर लीक माफिया ने यहां के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। राजस्थान का युवा इंसाफ मांग रहा है। चुनाव के समय बेरोजगारी भत्ते का वादा करने वाली कांग्रेस ने यहां के युवाओं को पेपर लीक माफिया के हवाले कर दिया। ऐसे हर पेपर लीक माफिया के खिलाफ बीजेपी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। आप याद रखिएगा, बीजेपी आएगी राजस्थान में, रोजगार लाएगी। भाजपा आएगी राजस्थान में, पेपर माफिया को मिटाएगी।